देखो, हमारे पास चैप्टर था फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक बार पहले देख लेते हैं हमने कहाँ तक किया था, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास चैप्टर चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी दो कंट्रीज के बीच में जो फॉरेन है, जो फॉरेन है मतलब दो कंट्रीज के बीच में जो एक्सचेंज मैकेनिज्म की करेंसी है उसका रेट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे डॉलर और रुपी का रेट, पाउंड और रुपी का रेट, यूरो रुपी का रेट, एक कन्वर्जन जो वैल्यू हमारे पास होती है वो इस चैप्टर में हमें देखनी है। दैट इज द चैप्टर ऑल अबाउट। इसमें हमने क्या देख लिया था एक बार देखो। सबसे पहले हमने मीनिंग को पढ़ा था, राइट। मीनिंग में हमने क्या पढ़ा था, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में हमने पढ़ा था कि भाई दो चीजें हैं हमारे पास, एक फॉरेन एक्सचेंज रेट है और एक हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है एक ऐसा स्टॉक, एक ऐसी वैल्यू जिसको हम फॉरेन करेंसी में मेजर करेंगे, जिसको हम जैसे कि मान लो बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं या गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटीज़ हैं, तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज मतलब एक ऐसे एक कॉमन मेजर में वैल्यू करेंगे। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है मॉनेटरी वे में दो करेंसी को कैसे आप इक्वलेंट करोगे, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे अगर इंडिया के टर्म में बात करें तो एक डॉलर के बराबर हमें 70 रुपीज पे करने पड़ते हैं। $1 वैल्यू वी हैव टू पे 70 रुपीज, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर 1 रुपी के बराबर कंपेरिजन करें तो 1 रुपी इज 1/70 of dollar। उसके बाद हमने देखा था क्या, देखो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमने कितने टाइप डिस्कस करे थे, वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट में हमने पढ़ा था कि ऐसा एक्सचेंज रेट जो कभी भी चेंज ही नहीं होगा, मतलब आप आज जिस टर्म पे बातें कर लेते हो, सपोज यू वांट टू पे अ लोन ऑफ $5,00,000 आफ्टर 5 ईयर्स, तो जो रेट आप आज कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे उसी रेट पे आपको रिपे करना है, दैट इज अ फिक्स एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल क्या होता है, इट विल फ्लक्चुएट डिपेंड ऑन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट होता है वो डिपेंड करता है आपका डिमांड एंड सप्लाई पे, जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। एक होता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। अब ये मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम के अंदर हमने क्या देखा था, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम में हमने देखा था कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम हाइब्रिड सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें एक लेवल तक चीजें क्या हैं, फिक्स हैं और एक लेवल के बाद क्या हो जाती हैं, फ्लक्चुएटिंग, राइट। उसके बाद हमने एक डिफरेंस किया था फिक्स रेट एक्सचेंज सिस्टम और फ्लक्चुएटिंग के एक्सचेंज सिस्टम के बीच में डिफरेंस हमने देखा था, राइट। उसके बाद हमने टॉपिक देखा था डिटरमिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यानी डिटरमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो एक फॉर्मूला था R इज इक्वल टू एफ डी एस। व्हाट इज डी, व्हाट इज एस, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई, एंड दिस इज ऑल अबाउट अ चैप्टर। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि किसी भी दो कंट्री के बीच में जो एक एक्सचेंज रेट होता है वो कैसे डिसाइड होता है, उसी करेंसी की डिमांड और उस कंट्री की करेंसी का सप्लाई। उसके बाद हमने ये भी देखा था सोर्सेज ऑफ डिटरमिनेंट्स कितने सारे हो सकते हैं ओवरऑल। तो फिर हमने देखा था सोर्सेज ऑफ डिमांड के एक्सचेंज में, फिर हमने देखा था डिमांड सप्लाई के एंगल से। तो हमने देखा था इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या है, वहाँ का टूरिज्म का लेवल क्या है, वहाँ पे रेमिटेंस ऑफ फॉरेन वर्किंग सिस्टम क्या है, उसके बाद रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन का क्या है, एक्सटेंशन ऑफ लोन इन फॉरनर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट, यानी ये सारे वो सोर्सेज हैं या डिटरमिनेंट्स हैं जो डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। वेरी क्लियर। उसका हमने चार्ट देख लिया था एक, जिसका हमने चार्ट समझा था किस तरीके से डिमांड कर्व अफेक्ट करता है प्राइस एक्सचेंज को। उसके बाद हमने दूसरी चीज क्या देखी थी, सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोर्सेज या डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। रिवर्स मैंने बोला था, आप याद कर सकते हो, यहाँ पे भी वहां इंपोर्ट था, यहाँ पे एक्सपोर्ट, यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया जो आएंगे यहाँ पे रेमिटेंस बाय इंडियंस जो बाहर रहते हैं यहाँ पैसे भेजेंगे, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जो परचेज ऑफ शेयर्स होगा यहाँ के लोग जो इन्वेस्ट सॉरी बाहर के लोग जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ये सारे फैक्टर्स हैं। और लास्ट में हमने देखा था डिपॉजिट बाय नॉन रेजिडेंट, जो नॉन रेजिडेंट है, इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, जो यहाँ नहीं रहते, वो जब यहाँ डिपॉजिट्स करेंगे तो इसका मतलब हमारे यहाँ की करेंसी स्ट्रांग होती है, राइट।
जब हमने डिमांड और सप्लाई दोनों डिस्कस कर लिया था, फिर हमने ये वाला टॉपिक भी देख लिया था, दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम का मतलब वो होता है जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, उन दोनों के इंटरसेक्शन को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, एंड दैट इक्विलिब्रियम इज द बेसिकली एक्सचेंज रेट, जो हमेशा टाइम टू टाइम डिपेंड ऑन वेरियस सोर्सेस फैक्टर क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसका हमने जब चार्ट देखा तो हमने बड़े डीपली डिस्कस किया था कि इस तरीके से हमारा डिमांड कर्व जाता है जो कॉनकेव होता है, सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड होता है, दोनों के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, और इसके ऊपर की बात करें, ये ऊपर वाला पार्ट है उसे हम एक्सेस सप्लाई बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को, बिलो लेवल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था, देखो, कॉजेज ऑफ चेंज इन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारे कॉजेज हैं, अभी हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं कॉजेज, यानी नॉर्मली क्या क्या ऐसे कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो बेसिकली हमारे दो ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, या तो राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। राइज को हम बोलते हैं अप्रिसिएशन और फॉल को बोलते हैं डेप्री सिएशन। यानी अगर एक डॉलर बराबर 50 रुपीज है 2019 में, अगर हम देखें हिस्ट्री को उठाएं, वैसे तो करेक्टली कुछ और था, और आज 2021 में एक डॉलर की वैल्यू 70,000 है, तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हम बोलेंगे डॉलर अप्रिशिएट हो गया और रुपी डेप्रिशिएट हो गया, राइट। उसके बाद हमने क्या देख लिया था, देखो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसका रिवर्स रिलेशन होगा, अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक का मतलब हम बोलते हैं जब हम अपनी होम करेंसी को कंपेयर करते हैं फॉरेन करेंसी से, जैसे हमारे केस में $1 = रुपी, तो रुपी हमारी क्या है, डोमेस्टिक करेंसी, और फॉरेन करेंसी को हम क्या बोलेंगे, डॉलर। तो अगर एक करेंसी चाहे कोई भी हो डेप्रिशिएट होती है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी करेंसी, मतलब वो क्या हो रही है, बताओ, अगर एक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है दूसरी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, राइट। तो ये दोनों में रिलेशन को हम समझ सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि कभी डिमांड अपवर्ड होगा, कभी सप्लाई अपवर्ड होगी, यानी वही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मैंने आपको समझाया था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से कभी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, कभी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और कभी कभी इसका रिवर्स हो सकता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिमांड नीचे चली जाए, उसे हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? यस, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। इसी तरीके से हमने ये भी देखा था डिमांड। अब सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या पढ़ा था कि सप्लाई जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ये भी या तो इंक्रीज तरफ जाएगी या डिक्रीज तरफ जाएगी। अगर ये लेफ्टवर्ड तरफ जाती है इक्विलिब्रियम पॉइंट से, लेफ्टवर्ड तरफ, तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीज, और अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से डाउन की तरफ जाती है या लेफ्टवर्ड तरफ जाती है, इसे हम बोलेंगे डिक्रीज वाला पॉइंट, सॉरी इंक्रीज वाला पॉइंट। क्लियर? ओके, अब हमारे पास जो फ्रेश टॉपिक है, हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉजेज या रीजंस फॉर राइज और फॉल इन डिमांड एंड सप्लाई। अभी हमने देखो बड़े आराम से पढ़ा, पहले हमने पढ़ा डिमांड, फिर हमने पढ़ा सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद हमने पढ़ा दोनों का इक्विलिब्रियम, फिर हमने पढ़ा कि डिमांड फॉल हो सकता है, डिमांड इंक्रीज हो सकता है, फिर हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम से सप्लाई इंक्रीज होती है, सप्लाई डिक्रीज हो सकती है। अब हम लोग देख रहे हैं दोनों के पॉइंट में चेंजेस साइमल्टेनियसली, दोनों के पॉइंट में, यानी रीजन क्या है जब राइज या फॉल होता है डिमांड में भी सप्लाई में भी इन फॉरेन करेंसी। तो पहला हम लोग देखते हैं रीजन और कॉजेज ऑफ राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल द डिमांड राइजेस। अब शॉर्ट में तो यही बोल रहा है कि जब हमारे पास क्या होता है, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल होती है, फॉरेन करेंसी फॉल बोले तो डॉलर वीक जब होगा तो इट्स डिमांड राइजेस, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। कैसे, देखो, द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, मैं यहां से रीड कर रहा हूं पैरा, द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस बिकॉज अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डिमांड फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी जब क्या होगा, अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, दैट इज फॉल इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स एन इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ
प्राइस ऑफ क्या, प्राइस ऑफ वन डॉलर, प्राइस ऑफ वन डॉलर क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ वन डॉलर फॉल्स फ्रॉम 60 to 50, क्या हो गया, पहले 60 था अब 50 हो गया, इट मीन्स रुपी इंक्रीज हो रहा है। इसको ऐसे आप मत देखना 60 to 50 हो गया, नो, पहले वन डॉलर के लिए हमें 60 देने पड़ते थे, अब वन डॉलर के लिए हम 50 दे रहे हैं, मतलब रुपी इंक्रीज हो गया, डॉलर डिक्रीज हुआ, इट मीन्स दैट वन डॉलर विल बी एक्सचेंज फॉर लेसर रुपी, देयरफॉर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस। तो यहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी क्यों, तीन चार पॉइंट से समझते हैं। पहला, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल इट डिमांड राइजेस फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस एज नाउ इट इज अवेलेबल फॉर लो प्राइस। अब ऐसा क्या हो रहा है, राइज क्यों हो रही है, क्योंकि लोग यहां के सट्टा लगाएंगे, स्पेकुलेटिव करेंगे कि अगर आज वैल्यू घट गई है तो कल बढ़ेगी, तो लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और वेट करेंगे कि फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़े यानी डॉलर अप्रिशिएट। दूसरा, इट मेक्स इंपोर्ट चीपर एज डोमेस्टिक कंट्री हैज टू पे लेसर। अब हम क्या करेंगे, जब डॉलर हमारा मतलब डॉलर फॉरेन करेंसी का वीक होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हमें कम पे करना है, राइट। तीसरा पॉइंट देखो, टूरिज्म के एंगल से देखें तो टूरिज्म टू फॉरेन कंट्री इंक्रीज एज ट्रैवलिंग अब्रॉड। अब हम लोग बाहर ज्यादा जाएंगे क्योंकि वहां की करेंसी वीक हो गई है, तो हम वहां ज्यादा जाएंगे, अब जब वहां जाएंगे तो हमें पे करना पड़ेगा, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। फॉल इन एक्सचेंज रेट वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। अब हम क्या करेंगे, वहां इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, क्यों कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, आज हम कम पैसे पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम वहां पे होप कर रहे हैं कि वहां का जब डॉलर बढ़ेगा, जब हमारा रुपी डाउन होगा, तो हम उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड आस्पेक्ट, एंड सेकेंड आस्पेक्ट क्या कहता है, रीजन और कॉजेज ऑफ राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अब हम सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि किस केस में फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। तो यहां पे कहता है व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेज। अब इसका रिवर्स, वेरी सिंपल, जब प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइज होगा, डॉलर इंक्रीज होगा, तो इसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। जैसे अगर एक डॉलर 60 का था और 70 का होने चला, तो इसका मतलब डॉलर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और हमें एक डॉलर को रीपे करने के लिए ज्यादा रुपी पे करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देयरफॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस बिकॉज। अब यहाँ पे देखो, एकदम ध्यान समझना, यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, When price of foreign currency rise, it encourage export. अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, अपने इंडिया से कोवैक्सीन भेजेंगे, COVID-19 की किट्स भेजेंगे, ताकि हमें डॉलर आए क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। सेम टाइम ऑफ फॉरन करेंसी मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री। सप्लाई ऑफ फॉरन एक्सचेंज rises ड्यू टू इंक्रीजिंग टेंडेंसी toward मेकिंग स्पेकुलेटिव गेन इन डोमेस्टिक करेंसी। अब हम उल्टा क्या करेंगे, सट्टा कहां लगाएंगे, डोमेस्टिक कंट्री में सट्टा लगाएंगे, क्योंकि आज की डेट में डॉलर बढ़ गया है यानी रुपी डाउन हो गया है, तो हम सट्टा लगाएंगे कि एक दिन तो रुपी बढ़ेगा, राइट। When price of foreign currency rises, investment from foreign country into domestic country rises. अब बाहर के लोग क्या करेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि उनको पता है आज रुपी डाउन हो गया है, हम आज इसको परचेस कर लेते हैं, कल के दिन जब बढ़ेगा तो हम सेल कर देंगे। टूरिज्म इंटू डोमेस्टिक कंट्री, अब टूरिज्म के अंगस देखो, वहां पे क्या था, हम लोग घूमने जा रहे थे, अब उल्टा होगा, सोचो, टूरिज्म इंटू द डोमेस्टिक कंट्री राइजेज एज ट्रेवलिंग एंड डोमेस्टिक कंट्री हैज लो बिकॉज रिलेटिवली चीपर। अब यहाँ पे लोग घूमने आएंगे क्योंकि उनको कम रुपी पे करना पड़ेगा, उनका डॉलर स्ट्रांग हो गया है। लास्ट, अप्रिसिएशन ऑफ डॉलर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेज डायरेक्ट परचेज बाय नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक कंट्री। अब नॉन रेजिडेंट जो हैं वो हमारे इंडिया से इन्वेस्टमेंट करेंगे, डायरेक्ट परचेज करेंगे, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। What is mean by foreign exchange market? ये market क्या है, foreign exchange की market को क्या बोलते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, meaning देखते हैं। It is defined as the market in which foreign currencies are bought and sold. एक ऐसी market जहाँ पे क्या buy और sell कर सकते हो आप, बोलो, foreign currencies। जैसे मैं domestic currency मेरी rupees है, I want to buy dollar या आई वॉन्ट टू बाई यूरो, आई विल गो टू द मार्केट वेयर एक्सचेंज आर
बीइंग ट्रेडेड प्लेस, तो मैं वहां जाऊंगा और वहां बोलूंगा भाई मुझसे रुपीज ले लो और मुझे डॉलर दे दो। तो यानी जहां मैं गया, जहां एक्सचेंज है, जहां पे मार्केट है, उसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट इज अ सिस्टम वेयर बायर एंड सेलर ऑफ फॉरेन करेंसी प्रोवाइड फैसिलिटीज इन ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कॉन्स्टिट्यूट, वहां पे कौन कौन है, ब्रोकर है, बैंकर है, सेंट्रल बैंक है, एटसेट्रा। तो इन शॉर्ट वी कैन से इट इज द मार्केट वेयर नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर अनदर। बोलो क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वेरी सिंपल, क्या करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फर्स्ट ट्रांसफर करता है फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन करता है और हेजिंग फंक्शन करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, देखो पढ़ते हैं इसको। व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, इट अराइज व्हेन सम ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ टू करेंसी टू कंट्रीज टेक प्लेस। इट इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या कर रहा है ट्रांसफर फंक्शन में, वो क्या कर रहा है, दो कंट्रीज के बीच में ट्रांसफर कर रहा है फंड को। जैसे सपोज करो मैं एक इंडियन कंपनी हूं, मुझे पे करना है यूएस के पर्सन को एज अ सैलरी, तो आई विल पे इन डॉलर। बट मैं एक इंडियन कंपनी हूं, मेरे पास एक चाइनीज एम्प्लॉयज भी है, तो मुझे चाइनीज की करेंसी में पे करना पड़ेगा, तो मैं किसके थ्रू पे कराऊंगा, मेरे पास थोड़ा ना फॉरेन करेंसी है, मैं तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मैं जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि उसकी सैलरी इस करेंसी में पे कर दो। तो पहला काम क्या करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ट्रांसफर फंक्शन। दूसरा क्या करता है, क्रेडिट फंक्शन। ये क्या है, लाइक डोमेस्टिक ट्रेड फॉरेन ट्रेड ऑल्सो डिपेंड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार, हम क्या करते हैं नॉर्मली बिजनेस उधार पे चलाते हैं, डोमेस्टिक में तो उधार करते ही हैं, फॉरेन में भी उधार पे चलता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइडर फॉर क्रेडिट इन फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब अगर मुझे क्या करना है, इम्पोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो मैं फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू क्रेडिट पे सामान ले सकता हूँ, फिर उसके बाद फॉरेन मार्केट उसको पे कर देगी मेरे भी आप। हेजिंग फंक्शन में क्या करता है, इट इंप्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कंसर्निंग वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब यहां पे क्या है, हेजिंग का मतलब होता है एक तरीके से इंश्योरेंस। किसका इंश्योरेंस, भाई मैं आज मशीन खरीद रहा हूं यूएस से और आज डॉलर है $1 = 70 rupees। अब मैं हेज करा सकता हूं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके कि भैया अगर $1 बढ़ जाए, मतलब 90 rupees पे चला जाए, तो मुझे उसका बर्डन ना पे करना पड़े, मैं इतने पे पे करूं, तो यानी मैं अपने आप को सिक्योर कर सकता हूं। वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो फंक्शन देता है कौन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के मेनली ऑपरेशंस क्या हैं, ये करता क्या है, इसके क्या क्या डीलिंग्स हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहां पे दो टाइप की मार्केट काम करती है। दीज आर क्लासिफाइड एज स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। वेरी क्लियर, ये बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, जब आप फायर स्टडीज में जाते हो, प्रोफेशनल कोर्स करते हो, तो ये स्पेसिफिक यहाँ पे कोर्स हैं, स्टॉक मार्केट के कोर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज के कोर्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोर्सेज हैं। दिस इज वेरी टेक्निकल टर्म, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडरटेकन दे आर एक्सप्लेन एज अंडर। ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, पहली बात समझते हैं स्पॉट मार्केट क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज स्पॉट मार्केट, इट रेफर्स टू मार्केट वेयर करेंट ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस। क्या मतलब, करेंट ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज रेट टेक प्लेस, द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन द स्पॉट, द डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल्सो अफेक्टेड इंस्टेंटलेसली द रेट एट विच करेंट ट्रांजेक्शन टेक प्लेस कॉल्ड स्पॉट रेट। ध्यान से समझो, अब आप स्पॉट रेट पता ही क्या होता है, स्पॉट रेट मतलब आज का रेट, आज की वैल्यू। सपोज आज अगर आप एक्सचेंज जाते हो और आप बोलते हो मुझे अभी एक मशीन खरीदनी है, मुझे पैसे पे करने हैं, तो वो बोलेगा भैया कब पे करने हैं आपको, मैं बोलूंगा एक महीने बाद, तो वो बोलेगा भैया स्पॉट पे रेट चल रहा है $1 = 60 और फॉरवर्ड रेट चल रहा है यानी आगे का रेट चल रहा है इतना। तो अगर आप करंट रेट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, करंट रेट पे कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं स्पॉट रेट। फॉर एग्जाम्पल देखो नीचे क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू रिसीव अ गिफ्ट
$100 फ्रॉम योर अंकल, योर अकाउंट इज क्रिएटेड विद 6,000 एट द करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज 60 रुपीज। अगर आपके कोई रिलेटिव गिफ्ट देता है $100 और आज का स्पॉट रेट चल रहा है $1 = 100, इसका मतलब आपके अकाउंट में कितने आ गए इन टर्म्स ऑफ रुपी 60,000। ये 6,000 कैसे आ गए? बाय मल्टीप्लाइंग $100 इंटू 60, एंड दिस इज 60 इज वॉट, $1 = 60 इज स्पॉट रेट, इट इज स्पॉट रेट। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज फॉरवर्ड मार्केट? क्या है फॉरवर्ड मार्केट? इन अ फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन में क्या होता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज आर एंटर्ड ऑन स्पॉट। क्या हुआ भाई, फॉरवर्ड मार्केट में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज और सेल फॉरेन एक्सचेंज आर एंटर्ड ऑन स्पॉट। नॉर्मली क्या है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कोई करते हो तो वो हमेशा स्पॉट पे होता है, करंट रेट पे होता है। द प्राइस एट विच फॉरेन एक्सचेंज रेट विल बी सोल्ड और परचेज डिसाइडेड इन एडवांस ऑन स्पॉट। वैसे तो जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो बाइंग सेलिंग का, तो वो डिपेंड करता है स्पॉट पे, राइट? थर्ड देखो क्या कह रहा है, सी पेमेंट विल बी मेड ऑन स्पेसिफाइड डेट। अब क्या है, ट्रांजेक्शन तो आपने आज कर ली, लेकिन पेमेंट क्या है, फ्यूचर में करोगे। जैसे लोन की रिपेमेंट करनी है तो फ्यूचर में करोगे। फॉरवर्ड सेलर मे चार्ज अ प्रीमियम और ऑफर अ डिस्काउंट ऑन स्पॉट ट्रेड। अब जिसके थ्रू आप ट्रेड कर रहे हो वो आपको एक प्रीमियम भी चार्ज कर सकता है, कभी कभी डिस्काउंट देता है कि भैया आप इस रेट पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो हम आपको ये डिस्काउंट प्रीमियम देंगे। अब वापिस पॉइंट पे आ जाओ, ई पॉइंट, द रेट एट विच फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन यानी फ्यूचर डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट। दोबारा मैं समझाता हूं बड़े आराम से। आज आपने लोन लिया, आज सपोज डेट है 23rd of January और आपको लोन रीपे करना है 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ। तो आप क्या कर सकते हो, बैंक वालों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे क्या करना है, 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो मुझे आप 3 महीने बाद का एक रेट बता दो, उस रेट पे मैं पे करूं, जो डिफरेंस वगैरह होगा वो आप बियर कर लेना, उसका मुझसे प्रीमियम ले लो। तो 3 महीने बाद के रेट जो आपको देगा उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट। अब यहां पे जो बात लिखी है उसको ध्यान से देखो, ये चीज, ये नोट में जो पैरा लिखा हुआ है देखो, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू टू रीजंस। क्यों हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं भाई? वन इज टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एडवर्स चेंज इन एक्सचेंज रेट और टू मेक अ प्रॉफिट। मुझे डर है कहीं फ्यूचर में डॉलर बढ़ ना जाए, इसलिए मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं। फर्स्ट इज कॉल्ड हेजिंग एंड द सेकेंड इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। क्यों मैं डर रहा हूं? क्योंकि मुझे डर है कि रिस्क हो सकता है डॉलर बढ़ जाएगा, तो मैंने अपने आप को हेज करा लिया, हेजिंग के लिए मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, और सट्टे से बचने के लिए मैं ये लगाता हूं, राइट? दिस इज फॉरवर्ड मार्केट, राइट? तो यहां पे हमारा पूरा डिस्कशन खत्म, और यहां पे हमारा एक चैप्टर जो था हमारा बहुत सिंपल चैप्टर, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, हमारा पूरा खत्म हो गया। देख रहे हो आप, फॉरेन एक्सचेंज रेट का पूरा कॉन्सेप्ट हमने फिनिश कर लिया, राइट? ये हमारा चैप्टर यहां पे खत्म। अब इसको आप रीड करो अपनी बुक से, जितने मैंने हमने डायग्राम डिस्कस किए वो बनाओ। कोई भी डाउट आए, किसी भी टाइप से आए, कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मेल करके, आप जैसे ही पूछ सकते हो पूछो। ये चैप्टर बड़ा टफ कैटेगरी में आता है, लेकिन इसको हमने बड़े आराम से किया, ठीक है ना, 2 क्लासेस में ये खत्म हो गया, ठीक है, इसको आप करेंगे आराम से, राइट?